हे गाइस, वेलकम टू पार्की टेक। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टेटस में जो लोगो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस तरह का लोगो बनाना सीखेंगे पिक्सल लैब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट करके है इसको आपको डिलीट करना है। यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको प्रोम गैलरी में जाना है। क्रोम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे एक यूट्यूब और इंस्टा का PNG फोटो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन आपको यहाँ से इस तरह से इसको छोटा कर लेना है। देन आपको यहाँ से फिर से एक PNG लेना है यूट्यूब वाला, और इसको इस तरह से आपको सेट करना है, दोनों को एग्जिस्ट करना है बराबर। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। इस तरह से करने के बाद यहाँ से आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको शेप लेना है। शेप लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देख लेना है कि बराबर है लोगो, तो इस तरीके से आपको यहाँ से एडजस्ट करना है इसको, शेप को। शेप को यहाँ से बराबर करने के बाद आपको एक लाइन जैसा करना है इसको, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना है आपको। यहाँ से करने के बाद आपको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आपको सिंपली इसको देख लेना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है इसको, और छोटी लाइन बनानी है तो यहाँ से आपको एक बराबर कर लेना है। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको बराबर एडजस्ट करना है। देन आपको यहाँ से फिर से न्यू टेक्स्ट लेना है, और यहाँ पर यूट्यूब का अपने चैनल का नाम लिखना है, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो नाम यहाँ पर देना है। जैसे मेरे चैनल का मैं नाम दे लेता हूँ यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट पे जाके आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पसंद है वो यहाँ पर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला लगा लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर यूट्यूब के लोगों के सामने एग्जस्ट करना है इसको आपके हिसाब से। देन आपको यहाँ पर स्टाफ में जो अपना यूज़र आईडी रहता है वो यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको सेम एजेटिस एक्सेस करना है जैसे कि आपने यूट्यूब में किया था। और यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है आपको बराबर। देन आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाले वो ट्रांसपेरेंट कर देना है इसको। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करने के बाद फ़ोटो सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। यहाँ पे काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप जो भी स्टेटस एडिटिंग कर रहे हो जिस स्टेटस में यहाँ पर जो फ़ोटो वाला स्टेटस चलते हैं, जैसे कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है उस तरह से, वहाँ पे इस तरह से रहेगा। तो आपने अभी जो पिक्सल लैब में अपना लोगो बनाया है उस लोगो को यहाँ से ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करना है। और फ्रेंड्स, जितने भी सारे मेरे पास एक वाइट वाले भी है यहाँ पे लोगो, और ब्लैक वाले भी है, इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पे आपको करना है वाइप राइट। इन एनिमेशन आपको वाइप राइट करना है, एंड टाइमिंग इसका 1.5 कर देना है, जितना आपका यहाँ पे शो हो रहा है उतना आपको कर लेना है। देन आपको आउट एनिमेशन में जाना है। आउट एनिमेशन में जाके वाइप लेफ्ट करना है इसको। वाइप लेफ्ट करने के बाद आपको जितना ड्यूरेशन बढ़ानी है उतनी बढ़ा लेनी है। देन आपको यहाँ पे इस पर टैप करके आपको डुप्लीकेट लेयर लेनी है। ऐसे करते करते आपको जितने बार लगाना है उतने बार आप पूरे स्टेटस में लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस यही था।